हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीकली टेक न्यूज़। तो गाइज, ये वीडियो जो है हमारी इस सीरीज़ की सेकेंड वीडियो होने वाली है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। और ऐसे लोग जिनको नहीं पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है और उस सीरीज़ का नाम मैंने वीकली टेक न्यूज़ रखा है, जिसमें मैं आपको संडे को शाम को 6 बजे पूरे हफ्ते की बढ़िया बढ़िया सी टेक न्यूज़ जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे एक सब्सक्राइब का बटन नीचे एक होगा उसको प्रेस कर देना, उसके बगल में नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस करना है, ताकि हर हफ्ते मैं आपको नोटिफाई कर सकूं बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी जो है टेक न्यूज़ के साथ। तो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली न्यूज़ हमारे पास Xiaomi की तरफ से आ रही है। तो उनका Redmi K20 Pro जो है इंडिया में काफ़ी जल्दी रिलीज़ होने वाला है। चाइना में ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इंडिया में कुछ हफ्ते में जो है रिलीज़ हो जाएगा। उसके साथ साथ Redmi ने ऐसा जो है टीज़ किया है इंडिया में कि ये जो फ़ोन होने वाला है एक बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप किलर फ़ोन होने वाला है, वो भी बजट में। जो बड़े बड़े फ़ोन्स होते हैं, महंगे महंगे फ़ोन जैसे सैमसंग, OnePlus, इस तरीके के जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं उनको आराम से टक्कर देगा। मैं आप लोगों को बता दूँ, Redmi सीरीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लाइक उनकी नोट सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, नोट 3, नोट 7 प्रो, नोट 5 प्रो, इस तरीके के जो फ़ोन थे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन Redmi की तरफ से ये जो फ़ोन है फर्स्ट फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है, इसका मतलब थोड़ा महंगा फ़ोन होगा। तो अब देखना ये है कि ये फ़ोन इंडिया में किस तरीके से चलेगा, क्योंकि पहली बार Redmi जो है अपने बजट से थोड़ा और आगे बढ़ के ये फ़ोन रिलीज़ करने वाली है। तो अगली न्यूज़ हमारे पास Huawei की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि Huawei को USA ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है, स्पेशली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो भाई पूरी तरीके से बैक ऑफ कर लिया है। तो ऐसी खबर सुनाई दे रही थी कि भाई Huawei जो है अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, ऐसी रूमर हमें पता पड़ी थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, 1 से 2 दिन पहले जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, रजिस्टर करा लिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसका नाम जो है Hongmeng करके होने वाला है। तो Hongmeng ऑपरेटिंग सिस्टम जो है Huawei के सारे फ़ोन पे जो है टेक ओवर करने वाला है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है एंड्रॉयड को टक्कर देगा। लेकिन गाइस, एंड्रॉयड को टक्कर देना आसान बात नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि एंड्रॉयड ने बहुत ही अच्छा स्टेबल जो है वर्जन बना लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक और बहुत ही खास खबर जो है निकल के बाहर आई है, वो ये है कि Xiaomi और Oppo जैसी चाइनीज ब्रांड जो है वो Huawei के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने फ़ोन में चला के टेस्ट कर रही है, उसके परफॉर्मेंस वगैरह को टेस्ट कर रही है, ऐसी खबर निकल के बाहर आई है। अब देखना होगा कि Huawei का ऑपरेटिंग सिस्टम किस हद तक जाता है, किस हद तक अच्छा होता है या बुरा होता है, वो सब जो है हमें इसके आने के बाद तुरंत पता पड़ जाएगा। Xiaomi का MI LED बल्ब जो है अब इंडिया में अवेलेबल हो चुका है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ चाइना में अवेलेबल था, लेकिन अब आप इसे Flipkart के थ्रू 1299 रुपये में खरीद सकते हैं। ये एक स्मार्ट बल्ब है जो Amazon Alexa और Google असिस्टेंट वगैरह को सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ इसको जो है आप मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ये जो है वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है बिना किसी मॉडेम के। तो काफ़ी बढ़िया सा ये एक स्मार्ट बल्ब है, और सबसे अच्छी बात ये कि ये जो बल्ब है वो मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका, हमारे पास 2 से 3 दिन बाद MI LED स्मार्ट बल्ब आ जाएगा। तो उसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। तो वो देखने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आपको नोटिफाई कर सकूं। अगली न्यूज़ बहुत ही कमाल की है, क्योंकि Zomato इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले एक टेस्ट रन किया था, जिसमें उन्होंने ड्रोन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फूड के पैकेट को डिलीवर किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, और जिसका डिस्टेंस था वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि भाई इसकी जो ड्रोन की स्पीड होगी वो 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड होने वाली है। तो गाइज, ये जो है ड्रोन सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा वो बाद की बात है, लेकिन मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों के राय जानने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिए कि ये जो आइडिया Zomato इंडिया का है फूड डिलीवरिंग का ड्रोन के थ्रू, वो सही है या नहीं है, कितना चलेगा कितना नहीं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगली न्यूज़ सैमसंग की तरफ से है, और काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड जो है वो अप्रैल के महीने में रिलीज़ होने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस के कारण उस फ़ोन को पोस्टपोन किया गया। और सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था उनका स्क्रीन इशू। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सैमसंग की तरफ से ऐसा कहा गया था कि वो जो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड वो जुलाई से अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फ़ोन जो है जुलाई में भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसा फ़ोन पहले था उसी तरीके का
फ़ोन अभी है तो, और ये बात जो है वो खुद सैमसंग के एक मेंबर ने कही है, तो भाई ये फ़ोन आपको जुलाई में भी अवेलेबल नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि अभी भी जो है फोल्डिंग फ़ोन तैयार नहीं हुए हैं ढंग से, क्योंकि हुवाई की तरफ से जो मैट उनका जो एक नेक्स्ट फोल्डिंग फ़ोन था वो भी आने वाला था, लेकिन वो भी जो है किसी रीजंस के कारण जो है पोस्टपोन हो गया है। तो इस सबसे क्लियर हो जाता है कि अभी भी फोल्डिंग फ़ोन पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज़ पे। तो ये जो है खबर गूगल की तरफ से आ रही है, तो गूगल पिक्सल 4 की कुछ इमेजेस जो हैं वो गूगल ने खुद ऑफिशियली जो है टीज करी हैं, लाइक थोड़ी बहुत इमेजेस जो है दिखा दी हैं। इसमें उसने गूगल पिक्सल 4 का जो है बैक पैनल बताया है, और एक इमेज जो है वो भी लीक हुई है जिसमें एक बंदा गूगल पिक्सल 4 को लेके बैठा हुआ है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको दो चीज़ें जो है वो नोटिस में आती है। सबसे पहली ये कि इसमें आपको अब डुअल कैमरा का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा बड़ा है, और आपको राउंडेड सर्कल के साथ ये कैमरा बम मिल जाएगा। तो फाइनली जो है गूगल पिक्सल जो है अब सिंगल कैमरे से डुअल कैमरे पर शिफ्ट होने वाला है। उसके साथ साथ इस इमेज में जो है कोई भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि गूगल पिक्सल 4 में अब आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि इसका जो फेस अनलॉक होने वाला है वो गूगल का जो है ऑफिशियल एक फेस अनलॉक होने वाला है, जैसा कि एप्पल ने अपना खुद का बनाया था, उसी तरीके से जो है गूगल अपना खुद का एक फेस अनलॉक जो है बनाने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगा। तो गाइस अगली न्यूज़ हमें अडोबी की तरफ से मिल जाती है। तो अडोबी एक इस तरीके के टूल पे काम कर रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेगा, एआई को सपोर्ट करेगा, और मशीन लर्निंग के थ्रू जो है हर इमेज को जो है स्कैन करके बता सकता है कि कौन सी इमेज ओरिजिनल है और कौन सी इमेज एडिटेड है। क्योंकि आज के टाइम पर जितनी भी जो इमेजेस हैं वो आपको एडिटेबल मिल जाती है, जिसके कारण बहुत सारे फ्रॉड वगैरह जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है पूरी तरीके से कुछ एल्गोरिदम के थ्रू जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कुछ प्रोटोटाइप भी जो है उसने अभी सामने निकाले हैं, जिसमें उसने 99% जो है ये सब बताया है कि भाई कौन सी इमेज जो है रियल है और कौन सी इमेज हमें जो है फेक मिल जाती है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे जो है अडोबी काम कर रहा है। अभी ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा उसकी तरफ से सुना गया है कि अडोबी बहुत ही जल्द जो है इस तरीके के टूल को जो है रिलीज कर देगा। अगली न्यूज़ हमें MI Band 4 की तरफ से मिल जाती है। तो भाई MI Band 4 चाइना में ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है, वो भी कलर्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ, और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में ये कब क्या रिलीज़ होगा इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ये जो है इंडिया में दो वेरियंट में रिलीज़ होने वाला है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो दो वेरियंट होंगे वो NFC एनेबल होंगे, एक में आपको NFC मिलेगा, एक में नहीं मिलेगा। इसका जो प्राइस ऐसा सुना गया है इंडिया में होने वाला है वो 1799 होने वाला है, और जो NFC एनेबल होगा उसका जो प्राइस है वो 2200-2300 रुपये तक में जाएगा। तो इस तरीके की जो है इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो इंडिया में कब रिलीज़ होगा वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, तो वो जो है मैं कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा, तो आप जो है मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको कम्युनिटी टैब के थ्रू जो है ये पता पड़ जाएगा कि इंडिया में इसकी फाइनल ऑफिशियल रिलीजिंग डेट कब होने वाली है। तो Redmi जो है अपने 64 मेगापिक्सल के कैमरे पे काम करना चालू कर दिया है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कैमरा सेंसर है वो Samsung की तरफ से होने वाला है। तो भाई Samsung ने जो है अभी कुछ दिन पहले इस सेंसर को रिलीज़ किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी फ़ोन में जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन ऐसा सुना गया है कि Samsung का जो Galaxy A70s होने वाला है उसमें ये सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल के साथ। लेकिन अभी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई ये जो कैमरा है 64 मेगापिक्सल का वो सबसे पहले Samsung के फ़ोन में आएगा या Redmi के फ़ोन में आएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। अगली न्यूज़ हमें Google की तरफ से मिल जाती है। तो भाई Google फोटोज़ जो हैं अब Google ड्राइव के साथ सिंक अप नहीं करेंगे। पहले ऑटोमेटिकली जो Google फोटोज़ होते थे वो सिंक हो जाते थे Google ड्राइव पे, लेकिन अब ऐसी फंक्शनैलिटी जो है Google की तरफ से डिसेबल कर दी गई है। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि बहुत से लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि Google फ़ोटोज़ जो है उस पर बैकअप बनाना चाहिए गूगल ड्राइव पे या फिर वाइस वर्सा, इस तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था लोगों के बीच में। तो इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो हटा दिए, लेकिन आप इसे जो है मैन्युअली कर सकते। तो इस तरीके का जो है अपडेट, बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड जो है गूगल की तरफ से हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये आज की टेक न्यूज़ जो है, इस पूरे हफ्ते की टेक न्यूज़ जो है अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।